स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश का, वो है 8 इजी वे टू इम्प्रूव स्पेलिंग मिस्टेक्स। यानी 8 आपको ऐसे वेज बताए जाएंगे जिससे आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे हमारा जो फर्स्ट रूल है वो क्या है कि अगर किसी शब्द के अंत में फुल शब्द जोड़ा जाता है तो एक एल को रिमूव कर दिया जाता है। एग्जांपल आप देखते हैं बच्चे कि अगर हमने हार्म शब्द यूज किया है, हार्म, आप देख रहे हैं बच्चे ये जो आपका शब्द है यहाँ पे हार्म, हमने ये शब्द दिया है हार्म, इसमें हमने फुल शब्द को ऐड किया, तो जब हमने हार्म को लिखा है तो इसमें एक एल को रिमूव कर दिया हुआ है। जस्ट एज सेकेंड वर्ड फेथ और फुल, फेथफुल में अगर हमने फेथ के साथ फुल को ऐड किया तो फेथफुल में हम क्या करते हैं, एक एल का जो यूज है वो यहाँ से हटा दिया जाता है। अब ऐसे और भी बहुत सारे शब्द होंगे जो आप ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं, जैसे है ट्रस्ट। अगर हम ट्रस्ट में फुल शब्द को जोड़ते हैं तो आपका सेंटेंस जो वर्ड है वो क्या बनेगा, ट्रस्ट फुल। देखिए अब हमारा जो दूसरा रूल है कि अगर किसी शब्द के अंत में वाई शब्द होता है, वाई लेटर होता है, अगर किसी शब्द के अंत में वाई लेटर होता है तो फुल शब्द अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो y को रिमूव किया जाता है, रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं उसकी जगह पर i शब्द, और फुल में से हम एक लेटर l हटा देंगे और सिंगल l का यूज किया जाएगा। लाइक आपकी एग्जांपल दी हुई है ब्यूटी और फुल, आपने ब्यूटीफुल में y को हटाकर i का यूज किया और फुल में से भी एक l को हटा दिया। सेम है सेकंड वर्ड ड्यूटीफुल, D-U-T-I, हमने Y को रिमूव किया, उसकी जगह पे I का यूज किया है, और F-U-L-L की जगह पर हमने A-L को हटा दिया है। आगे देखते हैं हमारा तीसरा जो रूल है वो क्या बताता है कि जिन वर्ब्स के अंत में E शब्द होता है, वर्ब्स जिनके अंत में E वर्ड, E लेटर होता है और उसमें अब आप ing यूज करते हैं तो E लेटर को हम क्या करते हैं वहां से हटा देते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा यूज, E बाइट, E शाइन, E राइट, E, हमने इन सब के साथ अगर ing को लगाया तो हम क्या देखते हैं कि यूजिंग, हमने ing यूज के साथ अगर लगाया है तो E जो है वो रिमूव कर दिया है। Biting, हमने E रिमूव किया। Shining, writing, just as आप कुछ और वर्ड भी सोच सकते हैं। Move, अगर move के साथ हम ing लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, moving, हमने I को ing प्लेस किया और E को वहां से रिमूव कर दिया। आगे देखते हैं जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई लेटर्स होते हैं, आपने पहले पढ़ा था वहां पे सिंगल ई का यूज था, और जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई लेटर्स होते हैं वहां पे जब आप आई एन जी प्लेस करते हैं तो कोई भी चेंज नहीं होता। लाइक आपका जो वर्ब है एग्री, एग्री में हमने आई एन जी प्लेस किया तो ये एग्रीइंग होगा, इसमें डबल ई भी है और आई एन जी एज इट इज हमने लगा दिया। See, see means देखा, और seeing हमारा हो गया। ऐसे ही हम कोई और वर्ड बता सकते हैं, flee, flee के साथ अगर हम ing लगाते हैं तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, fleeing, और flee का अर्थ क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, next, जिन वर्ब्स के अंत में कंसोनेंट, आपको पता है कि हमारे अल्फाबेट्स में जो वोवल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू,
और कंसोनेंट्स क्या होते हैं? रेस्ट ऑफ द लेटर, 21 जो लेटर रेस्ट है हमारे, वो है कंसोनेंट। तो हमें ये देखना है कि जिन वर्ब्स के अंत में कंसोनेंट हो और उससे पहले एक वोवल होता है तो लास्ट लेटर जो होगा वो डबल हो जाएगा। एग्जांपल देखो बेटा, जैसे है गेट, ये जो टी है वो क्या है? कंसोनेंट। उससे पहले ई एक वोवल है, हमने अगर उसमें आई एन जी लगाया तो लास्ट लेटर जो है वो क्या हो गया? डबल। गेटिंग डबल टी, सिट ये कंसोनेंट है और ये आपका वोवल, इसमें आई एन जी लगाने पर हमारा जो टी है वो डबल हो जा रहा है। बैग, जी आपका कंसोनेंट है, ई आपका वोवल है और हमने जब आई एन जी प्लेस किया तो बैगिंग हमारा जो जी है वो डबल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम, जिन वर्ब्स के अंत में कंसोनेंट है और उससे पहले दो वोवल एक साथ होते हैं तो जब आप आई एन जी उनके साथ प्लेस करते हैं तो लास्ट लेटर जो होता है वो डबल नहीं होता। जैसे फीट, अब ये टी जो है आपका कंसोनेंट है और उससे पहले ये डबल ई, ये क्या है आपके दो वोवल्स एक साथ, हमने आई एन जी इसके साथ लगाया तो फीटिंग में कोई लेटर डबल नहीं हुआ। मीट, रेन, जिसमें ए आई दोनों वोवल हैं और एन आपका कंसोनेंट है, हमने आई एन जी इसके साथ लगाया और रेनिंग में हमने एज इट इज आर ए आई एन आई एन जी का यूज किया। आगे देखो बच्चे, जिन वर्ब्स के अंत में आई ई का यूज होता है, आई ई, और उसके साथ अगर आप आई एन जी लगाते हैं तो आई ई जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे क्या ऐड हो जाएगा? वाई, उसकी जगह पे वाई का यूज होगा। लाइक आपका वर्ड है डाई, आपने आई एन जी लगाया तो ये आई ई की जगह पे हमने क्या लगा दिया? वाई का यूज किया। डाइंग, लाई, लाइंग, टाई, टाइंग। तो ये थे हमारे कुछ सिंपल से रूल्स जिनको आप फॉलो करके अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेंज, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।